नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मच चुकी है। कांग्रेस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का खेल फिर से शुरू होने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में सरकार को उखाड़ फेंकने का खेल एक बार फिर से शुरू होने वाला है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बयान के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। अब ऐसे बयान देकर सीएम गहलोत यह जताना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के खेमे को ज्यादा तवज्जो नहीं मिले। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, स्कूलों में तंबाकू के सेवन और उनके आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सरकार सख्त होने लगी है। अब सभी स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां न तो स्टाफ तंबाकू गुटखा और धूम्रपान कर सकेगा और न ही बाहर से आने वाले लोगों को करने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विद्यालय की 200 मीटर परिधि में धूम्रपान सामग्री भी नहीं बेचने दी जाएगी, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वजह यह है कि राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार तंबाकू मुक्त विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में विद्यालय व शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त किए जाने के लिए निर्धारित 9 इंडिकेटर्स ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को हर महीने रिपोर्ट भेजनी होगी। वहीं आपको बता दें, विद्यालय के आसपास अगर बीड़ी सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं, गुटखा तंबाकू के पाउच मिलते हैं, थूक के धब्बे मिलते हैं, तो विद्यालय प्रशासन से अब जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि आपको बता दें, अभी कोरोना की वजह से विद्यालयों में बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं और विद्यालयों में कक्षाएं भी नहीं लगाई जा रही है, फिर भी इस पर सख्ती व रोक जारी रहेगी। राजस्थान की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे चरण के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। दरअसल राजसमंद के कुंभलगढ़ में वोटिंग खत्म होने से मात्र 5 मिनट पहले यानी कि 4:55 पर एक वोटर भाग कर आया और उसी दौरान उस वोटर को दिल का दौरा पड़ गया। दरअसल वह चारभुजा गडबोर के बूथ 30 में वोट देने आए थे, अस्पताल ले जाने तक उनकी मौत हो गई। इधर चौथे और अंतिम चरण में कुल 63.83% वोटिंग हुई है। वहीं आपको बता दें, इन चुनावों की मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी और 8 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। डीजल 31 पैसे और पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके साथ ही अब डीजल 82.77 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है और पेट्रोल पहुंच चुका है 90.77 रुपए प्रति लीटर। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।